Assalamu alaikum dosto, to naya din, naya vlog, aur aaj hi tarikh, tarikh hai 6 September 2024, aur subah ki 10:17 baj rahi hai. क्यों बज रही है वो हमारे व्हाट्सएप वाले व्यूअर्स को पता है क्यों बज रही है, क्यों इतना लेट अनीस भाई? क्योंकि अनीस भाई आजकल कल बताया था ना 50 डेज चैलेंज फिटनेस चैलेंज एट दमन बीच, तो कोई आना चाहता है हमारे साथ तो आ सकता है, और ओपन इनविटेशन है, बट सीट्स आर ओनली 4 और उसमें से भी एक फुलफिल हो चुकी है, अभी 3 सीट बाकी है जिनको आना आ सकते हैं हमारे साथ, तो दरवाजे खुले हैं, और कब ये दरवाजे कबूलियत के बंद हो जाए, जब बंद हो गए, कब बंद हो गए, जब हमारी 3 सीट फुलफिल हो जाएगी, जब ये दरवाजे बंद हो जाए, समझिए रे। तो आज हमने एक टॉपिक को पकड़ा है, अलग टॉपिक पकड़ रहा हूँ, एकदम भारी वाली पकड़ लेता हूँ। आज मैं जा रहा था, गाड़ी चला रहा था, दमन गया, फिर दमन से वापस आ रहा था, तो क्या करें, इंसान है हम, तो मुझे एक कुछ दिख गया, सामने एक चीज़ दिखी जो एक इंसानी लड़की थी, समझ रहे ना बात मेरी? तो मैंने बस एक ग्लिम्स, ओनली वन ग्लिम्स दिख गई, तो मैंने नज़र नीचे करी, हाँ, और वो नज़र करने नीचे करने के बाद हाय 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 मेरी जान, वो दिल का जो सुकून था, सुकून बोलते हैं भाई अनीस भाई, तुम तो यार प्रोनाउंसिएशन भी तुमको नहीं आता, थकून चकून क्या है, प्रोनाउंसिएशन सीखो फिर ब्लॉगिंग करो ना, क्या है मार्केट में नाम खराब करते हो सेफी गैजेट्स वालों का, आफ तो भाई यहाँ सीख रहे ना भाई, बोलते बोलते सीख जाएंगे, तुम्हारे को क्या है, तुम जरा देखो ना तुम्हारा, हाँ तो कहाँ बात थी, सुकून पे, तो वो जो हमने देखा और उसके बाद आँखों को नीचे किया, तो वो सुकून दिल को और चैन को और सुकून मिला, हाँ, क्योंकि देखो अल्लाह ताला ने, आपके रब ने, आपके खुदा ने, आपके भगवान ने, है ना, क्या किया है, आपके लिए एक स्पाउस दी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाउस अनीस भाई, यू आर टेकिंग इट अनदर लेवल, यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, हमें इंग्लिश नहीं समझ में आती, हम हैं हिंदी गुजराती वाले भोजपुरी वाले, और तम इंग्लिश में बात कर रहे ले, आजा, तो इंग्लिश में नहीं, स्पाउस मतलब आपकी घर वाली, आपकी बीवी, आपकी हम सफ़र, आपकी मौसी ने सफ़र ऑफ जिंदगी, और क्या बोलूँ मैं, बीवी का नाम लेने के बाद हमारा जो बीपी अप हो जाता है, चलता रहता है वो, कोई बात नहीं, तो हाँ स्पाउस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें दी है एक स्पाउस, टू सी हर एंड लुक हर ब्यूटी एंड एंजॉय, हाँ जस्ट, क्यों अनीस भाई तुम ऐसी अश्लील बातें आजकल क्यों कर रही, मार्केट में बोलते हैं तुम लड़की को देखे नीचे कर लिए नज़र, और फिर बोल रहे अपनी घर वाली को देखो, तो भाई ये सब निज़ाम बनाया अल्लाह ताला ने, है ना, बनाया हुआ, इसलिए हाँ देखो बेशक हमारे बाजू में एक बैठा है, तो बेशक की आवाज़ भी आ रही है, या सुभान अल्लाह, मतलब सुन रहे हो गौर से, तो मैं मेरी आशा है आप सब भी गौर से सुन रहे होगी मेरी बात, क्योंकि मैं बातें ऑटोमेटिकली करता हूँ, बस अल्लाह ताला हमसे ये क्या बोले सही सही बातें कहलवाते रहे, और हमेशा ये बातें का सिलसिला यूं ही चालू रहे, और हिदायत का ज़रिया बने, मेरे सबसे पहले मेरी हिदायत, बिकॉज आई एम द मोहताज ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं सबसे ज़्यादा मोहताज हूँ मेरी बातों का, क्योंकि अनीस भाई खोटे आदमी एकदम, सिर्फ बोलते करते कुछ ही नहीं है ऐसा, समझ रहे, तो ये बात है, हाँ तो जो टॉपिक है उस पर आता हूँ मैं भाई, टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, अपनी नज़र को नीची करो, समझ रहे, अपनी नज़र को नीची करो, कब, जब तुम गैरों की बीवियों को देखना, उनको ताड़ना बंद करो मेरे भाई, समझ रहे, और गैरों की बहनों को और गैरों की बहन बेटिया को नहीं देखो, मतलब किसी को भी तुम्हारे मतलब मत देखो भाई, इट्स फॉरबिडन, इट्स हराम, नहीं देखो, हाँ क्योंकि शैतान तुम्हारे पीछे लगा है, अंदर नफ्स और शैतान है, वो तुमको उसकाएगा, अरे चलना जरा बात करते, अरे चलना जरा सेटिंग लगाते, तो समझ रहे मेरी बात, ये सेटिंग मीटिंग वाला मामला बेकार है, और ये नफ्स और शैतान आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है, मालूम है ना क्या होता है, हाँ ये लास्ट बात कहाँ पर चली जाती है, रेप पे चली जाती है बात, और रेप पे अगर ये बात शुरू हो गई है, तो मैं चालू करता हूँ मेरी कहानी बहुत खतरनाक चालू होती, फिर मैं झूला नहीं झूलाता, मैं डायरी की उड़ाता हूँ फिर, समझ रहे, क्योंकि आतिफ असलम ने गाया था,
झूला झूलाए ये पनघट नदिया, किनारे ये आंगन निंदिया, तू आना हवा के संग मुझको भी तू दिखाना, के मेरे संग मेरा तेरा गलियों में ये तेरे ना, तिरक तिरक तेरा तखो ये तखना, तक के नानी के गोदी में सोना, परियों के देश जाके नहाना, ये मेरी है कहानी। तो कहानी है ना, मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जो बात जो आई है ना रेप के बारे में, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ तुमको कि ये बुल हाय 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 बहुत भारी बुल है यार। पब्लिक जमा हो गई, पब्लिक घुस गई बुल फाइट में। ओह इट वाज अ वेरी बिग बुल, बिग बुल। तो बुल जैसी ताकत भाई, ये सब यार इनको भी कंट्रोल करना चाहिए। अभी क्या करें, समझ के बाहर है। ये चीरी का जो एरिया है ना, वहाँ पर बहुत सारे गाय भैंस और बुल, इनको यार माशाल्लाह हमारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संस्थाएं चालू कर रखी, तो प्लीज़ इनको आके यार आप गौशालाओं में जाके गायों को गौशाला ले जाओ, और बुल का भी कुछ इंतजाम कर दो। जब इतना अच्छा माशाल्लाह हमारे अंदर भावना है, उनके लिए प्रेम है, तो हम उनकी जो सच्ची दिल से सेवा क्यों नहीं करें, समझ रहे। गायों को उनके जो स्पॉट्स बनाए गए हैं, माशाल्लाह हमारे देश में कितनी वो है, वो लोग समझदार लोग हैं कि गायों के लिए जो हमें दूध प्रोवाइड करती पीने के लिए, और बहुत सारे लोग गायों को माता बांधते हैं। तो जो हमारे भाई लोग हैं जो ये सब काम करते हैं, तो प्लीज़ मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है, आपने अगर ये मेरा व्लॉग देख रहे हो, अगर एक जन भी देख रहा है ना, तो प्लीज़ पहुँचा दो गौशाला तक। ये छीरी में बहुत सारी गायें जमा हो गई है भाई मेरे भाई, मार्केट इज़ फुल ऑफ द गाइस, इंसान कम है और रोडों पे गाय ज़्यादा है। तो ये गायों को गौशाला तक पहुँचाने में मदद करो। शेयर दिस वीडियो, ये क्लिप बना के क्लिप काट के भेज दो, बोले ये देखो ना यार, ये देखो ना ऐसा, देखो जैसे नफरत फैलाते ना वैसी अच्छी बातों को भी फैलाया करो, है ना। कैसे, ओ आज हो ना मुसलमान हो, माँ एनी मायने है, वो जो तो करो आ सूखे सूखे, हाँ आजो आजो हिंदूड़ो, ओ एवं कह तो अरे तेनी मायने है नहीं, हाँ। तो ये जो गंदी बातें, जो नफरत वाली बातें हम फैलाते हैं ना, तो अच्छी बातें भी फैला दे। क्लिप निकालो ये बीच का और लगा दो, गौशाला वालों को भेजो, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ ज़रा देखो, बहुत सारी गाय ये रोड पे है, बहुत तकलीफ़ हो रही है गाड़ी चलाने में भाई, ऐसा है। तो कहानी जो थी, जो कहानी में अलग अलग जगह चला जाता हूँ ना, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, हाय हाय गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। और ये है द बिग बुल ऑफ दिस नाक है, ओ हो साइज तो देख, ओ भाई साहब क्या बड़ा है, बात तगड़ा है, मजा आ जाए, समझ रहे। तो क्या ही तगड़ा था, क्या ही बुल पावर थी उसके अंदर मेरे भाई, यहाँ पर मार्केट हिला दिया था अभी उसने। तो कहानी, फिर कहानी पे चलूँ, इस बार मैं कहानी पूरी करूँगा इंशाल्लाह अगर कर पाया तो। तो कहानी क्या थी कि रेप, अब जो रेप करता है ना, अब सुन लो मेरी बात, अब मैं गाली गलौज पे आ गया तो तुम मेरी वीडियो नहीं देख पाओगे, समझ रहे। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मेरा क्या थोड़ा साइको किस्म का आदमी हूँ, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तुमने देखा वो अपरिचित पिक्चर देखी तुमने, वैसा मेरा हाल है, समझ रहे। कभी मैं अम्बी बन जाता हूँ, कभी मैं अपरिचित बन जाता हूँ, कभी मैं वो बन जाता हूँ रेमो, समझ रहे। मेरा हाल ऐसा बहुत खतरनाक है, जो मेरे साथ रहते हैं उनको पता है कि अनीस भाई थोड़ा क्या, अनीस भाई का दिमागी संतुलन बराबर नहीं है, हाँ। तो अगर मैं मेरी पे आ गया ना, तो हालत ख़राब हो जाएंगी भाई, समझ रहे। क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी किस्म का आदमी हूँ थोड़ा, जो ज़िद्द को अगर ठान लेता हूँ तो वो करके रहता हूँ, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, जाने मन, समझ रहे हो आप, हाँ। तो कहानी ये थी रेप वाला, तो उसको ख़त्म करना ना। तो जो भी देखो, जो भी रेप करता है ना, तो भाई तुम्हारी भी माँ बहनें हैं समझ लो मार्केट में, हाँ। अगर तुम किसी की माँ बहनों पे नज़र डालोगे ना, तो तुम्हारी माँ बहनों पे दूसरी नज़र डालेंगे, तुम जैसी नज़र डालोगे वैसी नज़र तुम्हारी माँ बहनों पे आने वाली है, ये टिट फॉर टैट वाली थियरी है। और कर्मा इज बिच माय फ्रेंड, समझ रहे, कर्मा इज बिच, हाँ। जैसा कर रही है वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर किसी का आप रेप कर रहे हो, तो बेशर्म आदमी, तेरी माँ का
खत्म कर देंगे तुझे, समझ रहे? और मैं तो लो पास कर दो, आ जाओ पार्लियामेंट में, नया लो लाओ ना, फालतू लो लाते रहते। एक तो क्या बोलूं, वो बोलते कभी वक्फोर्ड को हटाओ, कभी किसको हटाओ, तुम्हारी माँ का जो करना है वो तो करो, बढ़वो। सॉरी गलत बोल दिया, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट जज्बात में आकर मैं बोल दिया ना, कोई बात नहीं। मार्केट में, सॉरी सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट जो लॉ पास करने के वो कर रहा हूँ ना, जो रेप कर रहा हूँ उनको ऑन द स्पॉट उड़ा दो मार्केट में। क्या करो मालूम, फांसी के फंदे पे नहीं, फांसी के तख्ते पे लाओ उसे, वहाँ तक लाओ, फिर लाओ गन शॉट। ओनली वन शॉट मारना है तुम्हारे को। कितना शॉट? ओनली वन शॉट, एक शॉट और हो गई जिंदगी ख़त्म। जो बड़वा ने किया ना रेप, इसकी माँ का मारूं, समझ रहे मेरी, समझ रहे ना तुम? क्या बोलो, छोड़ो। इट्स वार्निंग फॉर ऑल द पीपल्स जो चाह रहे कि हम रेप करें किसी का, जो ज़बरदस्ती करें किसी का, इट्स वार्निंग। अगर इस बार आगे न्यूज़ आ गई ना, तो मैं आऊँगा आगे और मेरे साथ लोग आएंगे और तुमको तो पहले उड़ाएंगे ही। डायरेक्ट कैसे उड़ाएंगे मालूम? कैसे उड़ाएंगे? हम डायरेक्ट लॉ से रिक्वेस्ट करेंगे, पुलिस वालों को लाएंगे आपके वहाँ पर और डायरेक्ट ऑन द स्पॉट तुमको ख़त्म करने का रिक्वेस्ट करेंगे। समझ रहे मेरी बात? क्या ख़त्म करेंगे? जिसने रेप किया उसको। तो कॉन्क्लूजन ऑफ दिस व्लॉग, अपनी नज़र को झुकाओ और इज्जत से रहो मार्केट में, समझ रहे? अस्सलाम।